देख सकते हैं कलर भी आ चुका है, और कुछ एप्पल बेर हमने हार्वेस्ट भी किए थे, खा के भी देखा था। छोटे छोटी जो नई नई कलियां आ रही हैं उसमें फ्लावर भी साथ में आ रहा है। ये करीब 10 से 15 मोजर इसमें आया हुआ है, इसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग चलती रहती है। प्लांट की तरह इसमें एप्पल पकड़ा हुआ है, अनार काफ़ी लगे हुए हैं, फ्रूट भी सेट हो रहे हैं, और छोटे बड़े हर साइज़ के अनार आपको। ये मेरा मिस इंडिया एप्पल बेर का पौधा है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि सब लोग अच्छी प्रकार से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त जय प्रकाश, और आप लोग देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल जय होम गार्डनिंग। दोस्तों, इस वक्त उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, कह सकता हूं कि शीत लहर का माहौल है, और स्कूलों की भी छुट्टियाँ हो चुकी हैं। इस वक्त बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है। फिलहाल लखनऊ में काफ़ी टेम्परेचर डाउन है, आज धूप भी नहीं निकली है। आज के इस वीडियो में मैं अपने कुछ पौधों की अपडेट दूंगा और अपने पौधों का हाल दिखाऊंगा कि किस हाल में सर्दियों के मौसम में मेरे पौधे चल रहे हैं। पूरा वीडियो इसी पर है। इससे पहले चैनल पर जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि गार्डनिंग संबंधित मैं सभी जानकारी आपको दे सकूँ। तो बिना देरी करते हुए इस वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम अपने एप्पल बेर के प्लांट्स को दिखाएँगे, जो कि ग्रो बैग में लगे हुए हैं, और प्रचुर मात्रा में एप्पल बेर आए हुए हैं। आप ये देख सकते हैं कलर भी आ चुका है, और कुछ एप्पल बेर हमने हार्वेस्ट भी किए थे, खा के भी देखा था, तो अच्छा है खाने में एप्पल बेर। आप देख सकते हैं इनकी सेहत कैसी चल रही है। और इसी के बगल में ये मौसमी का पौधा है, और ये संतरे का है, मैंडरिन ऑरेंज। और अभी कुछ समय पहले मैंने इसके ऊपर प्लानोफिक्स का स्प्रे भी किया था, करीब 6 दिन हो गया होगा। आप लोगों को याद होगा मैंने वीडियो पब्लिश किया था जिसमें कि मैंने प्लानोफिक्स का स्प्रे किया था, करीब 1.5 लीटर पानी में 5 बूंद डाल के, और उसका भी रिजल्ट दिखाने का समय हो गया है। ये देखिए फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटी छोटी जो नई नई कलियाँ आ रही हैं उसमें फ्लावर भी साथ में आ रहा है, ये देख लीजिए। अभी मैं कुछ और पौधों में दिखाऊंगा। फिलहाल जो मैंडरिन ऑरेंज है इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई है। ये मेरा अंगूर का पौधा है, इस वक्त अंगूर का पौधा सुस्त पड़ जाता है। ये देखिए यहाँ पर जो ये पौधा आप देख रहे हैं, ये वाटर एप्पल का पौधा है, बिल्कुल हष्ट पुष्ट है, बिल्कुल सही हालत में है। और यहाँ पर ये वेरीगेटेड मौसमी का पौधा है, और आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे जो कलियाँ आ रही हैं उसमें फ्लावरिंग भी आ रही है। और ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये बारी 1 फीट माल्टा का है, और इसमें देखिए धीरे धीरे करके नई नई कलियाँ आ रही हैं, उसमें फ्लावरिंग भी आ रही है। पतझड़ हो जाता है जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए पतझड़ के बाद नई पत्तियाँ आएंगी, कह सकता हूँ डॉर्मेंसी पीरियड भी कुछ कुछ पौधों में ज़्यादा सक्रिय हो जाता है, लेकिन इसी समय फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाती है। ये मेरा मिस इंडिया एप्पल बेर का पौधा है। यहाँ पर ये लगे हुए हैं चीकू, छोटे छोटे आप देख सकते हैं ये चीकू बन रहे हैं यहाँ पर, और नई नई पत्तियाँ आ रही हैं, पौधा अच्छी कंडीशन में है। यहाँ पर आप देख लीजिए यहाँ पर है कागजी बारहमासी नींबू, और ये भी एक मौसमी की वैरायटी है, ये है भास्त्रा ऑल टाइम मैंगो। देख लीजिए इसकी भी हालत पौधे की बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी कंडीशन में है। इस वक्त पौधे सुस्त हो जाते हैं मैंगो के, और कुछ में फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाती है। फिलहाल अभी इसी साल मैंने इसका प्लांटेशन किया है, और पौधा हरा भरा है। यहाँ पर ये देख सकते हैं कॉर्टिमोन मैंगो का पौधा है, और इसमें देखिए फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर एक फ्लावर आ रहा है, एक यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ पर 2 फ्लावरिंग और बन रही है। इसी के साथ में एक दूसरा पौधा भी कॉर्टिमोन मैंगो का है, लेकिन इसमें फ्लावरिंग नहीं आ रही है। इसके बगल में आपको मैं दिखाना चाहूँगा ये बारी लेबन का पौधा है, इसमें फ्लावर निकल चुका है, रेड कलर का फ्लावर इसमें निकला हुआ है, आप देख सकते हैं। ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये सोहिनी का है, 3 ब्रांच वाला पौधा है, और ये भी सुस्त अवस्था में है। जैसे जैसे जनवरी से फरवरी का समय आएगा इसमें भी फ्लावरिंग आ जाएगी, और पौधा अच्छी कंडीशन में है। ये है पौधा आम्रपाली का, यहाँ से मैंने इसकी प्रोनिंग की थी बरसात के सीज़न में। ये देख लीजिए बीच में पोर्शन आपको दिखाना चाहूँगा, और 2 ब्रांचों में डिवाइड हो गया था, बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाया, और पौधा इस वक्त अच्छी कंडीशन में है। ये जो पौधा आप देख रहे हैं बनाना मैंगो का है, इसमें देखिए 5 जगह से बड्स बनी हुई हैं, यहाँ से पत्तियाँ निकलेंगी, बहुत
अच्छा होता है बनाना मैंगो का। इसकी डंडी जो होती है हल्की लाल होती है, बाद में जो है ब्राउन हो जाती है। ये जो आप मैंगो प्लांट देख रहे हैं ये है कच्चा मीठा, ये भी ऑल टाइम की कोई वैरायटी है। और यहाँ पर कुछ ऑल टाइम के मैंगो लगे हुए हैं, यहाँ पर ये देखिए मिर्च लगी हुई हैं। और ये जो पौधे आप देख रहे हैं ये बैंगन के हैं, मैं कुछ वेजिटेबल्स भी अपने यहाँ लगाता हूँ। और यहाँ पर ये मूली लगी हुई हैं और प्रचुर मात्रा में मैं मूली लगाता हूँ। इस साल मैंने एक ही बॉक्स में लगाया था, पिछले साल मैंने कई बॉक्स में लगाए थे। ये देख सकते हैं मूली काफ़ी मोटी मोटी हो गई है मूली, ये देखिए। तो इसकी पत्तियाँ भी खाने के काम में आती हैं और मूली तो हम लोग खाते ही हैं। ये नाशपाती का पौधा है, पॉली बैग्स में टमाटर लगा रखे हैं, आपको मैं दिखाना चाहूँगा। क्योंकि जो छत के ऊपर जो वेस्टेज जगह होती है मैं उसका भी प्रयोग करता हूँ। ये दीवार है और इसी दीवार पर पॉली बैग्स में मैंने टमाटर लगा रखे हैं, साथ में स्टिक लगा दिया है सपोर्ट देने के लिए। ये देखिए ये अनार का पौधा है, टेबल अनार का, सुस्त अवस्था में है। यहाँ पर जो आप पौधा देख रहे हैं ये ताइवान वाइट अमरूद का पौधा है, यहाँ पर अमरूद लगे भी हुए हैं और इनको मैंने पॉली बैग से कवर कर दिया है ताकि कीट मकोड़ों का अटैक ना हो सके। यहाँ पर HRMN 99 सेब का पौधा है और सेब के पौधे में कोई भी डोरमेंसी पीरियड मुझे दिखाई नहीं देता और बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ दिखाता है। और सर्दियों में ही इसने स्पीड पकड़ी है, पौधा हरा भरा है, स्वस्थ है। और नीचे से मैं आपको दिखा दूँ काफ़ी तना इसका स्ट्रॉन्ग भी हो चुका है। प्रूनिंग मैंने बरसात के समय की थी, यानी बरसात के लास्ट में की थी बिल्कुल प्रूनिंग। तो ये भी देख लीजिए, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कागजी बारहमासी नींबू, प्रचुर मात्रा में नींबू लगे हुए हैं। कह सकता हूँ पत्तियों से ज़्यादा फल आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये देख लीजिए कागजी बारहमासी नींबू के अगर आप दो पौधे लगा लेंगे तो आपको बाज़ार से नींबू नहीं ख़रीदना पड़ेगा, प्रचुर मात्रा में फल देता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप चीकू लगे हुए हैं, ये है काला पत्ती चीकू। वीडियो का एक ही मकसद है कि आपको मैं अपने प्लांट्स की अपडेट भी देता रहूं कि मेरे पौधों की कैसी हालत चल रही है। और यहाँ पर लगा हुआ है 1 kg अमरूद, जो एक एक किलो के अमरूद होते हैं। देखिए यहाँ पर दो फ्रूट सेट हो रहे हैं, यहाँ फ्लावरिंग चल रही है। और यहाँ पर देखिए लेमन का प्लांट लगा हुआ है, ये देखिए ये साल में एक ही बार इसमें लेमन आता है, कभी कभी दो बार भी आ जाता है लेकिन उतनी मात्रा में नहीं आता। और इसमें भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है। इसमें भी मैंने प्लेनोफिक्स का स्प्रे किया था जब मैंने मौसमी के पौधे में किया था, तो आप देख लीजिए फ्लावरिंग आ रही है, ये देखिए। अब आपको यहाँ भी दिखाते हैं, ये है बारी वन स्वीट माल्टा का पौधा, इसमें भी मैंने स्प्रे किया था और देखिए सामने फ्लावरिंग आ चुकी है। वीडियो में कोई भी एडिटिंग नहीं है, बिल्कुल क्लियर दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड आइवरी का पौधा है जिसे चियांग मई भी कहते हैं, और पौधा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और ये देखिए स्टेम भी अब मोटी हो रही है, और सर्दियों के मौसम में थोड़ा मैं पानी कम देता हूँ। और ग्राफ्टेड पोर्शन भी देखिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर कुछ अमरूद के और पौधे लगे हुए हैं, एक फ्लावर का पौधा लगा हुआ है और ये मौसमी का है चाइनीज। दो प्लांट्स हैं मेरे पास, इनकी मैंने इस बार रूट की प्रूनिंग की थी, पौधे सुस्त अवस्था में हैं और जनवरी फरवरी में इसमें भी फ्लावरिंग आ जाए। लगाए हुए हैं मैंने अपने घर में स्ट्रॉबेरी के भी कुछ पौधे लगाए हुए हैं, ये देखिए इसमें स्ट्रॉबेरी यहाँ लगी हुई हैं, यहाँ भी स्ट्रॉबेरी लग रही हैं। और ये डहेलिया का पौधा है, मैंने 4 पौधे लगाए हुए हैं और उनको अभी बड़े प्रो बैग में शिफ्ट करूँगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं गेंदा के फूल मैंने लगाए हुए हैं, क्योंकि मैं फूल वाले पौधे ज़रूर अपने टेरेस गार्डन पर लगाता हूँ। और बहुत अच्छे तरीके से इसमें देखिए फूल आया हुआ है, इतने बड़े बड़े साइज़ के फूल। तो फूल वाले पौधे भी आप लोगों को लगाने चाहिए, चाहे गुलाब के हों, चाहे गेंदा के हों, चाहे कोई भी फूल हो, लगाना जरूर। आप देख सकते हैं कि ये बारहमासी आम का पौधा है और इसमें फ्लावरिंग ही फ्लावरिंग चल रही है इस वक्त। इसमें अभी डोरमेंसी का कोई भी असर नहीं हो रहा है और जगह जगह इसमें फ्रूट भी सेट हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा फ्रूट सेट हो रहे हैं, ये देखिए करीब 10 से 15 मोजर इसमें आया हुआ है। इसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग चलती रहती है। प्लांट की उम्र 1.5 साल की है और मिट्टी के पॉट में लगा हुआ है, ग्रोथ भी अच्छी है। यहाँ पर कॉटिमोन मैंगो का प्लांट है, इसमें भी फ्लावरिंग आई हुई है लेकिन फ्लावरिंग रुकेगी नहीं और कुछ दिनों में मैं इसका फूल काट दूँगा ताकि जो यहाँ से ब्रांचेस निकल रही हैं इसमें कोई दिक्कत ना हो और नए नए फुटाव इसमें आ जाए। क्योंकि ऑल टाइम मैंगो में 3 महीने के अंदर ही फ्लावरिंग आती रहती है, तो एक बार अगर फूल काट देंगे तो दूसरा फूल
2-3 महीने के अंदर ही आ जाता है। यहाँ पर आपको मैं जो पौधा दिखा रहा हूँ वो चेरी का पौधा है, बारबाडोस चेरी का, और इस वक्त बिल्कुल सुस्त अवस्था में है। इस पर पूरी तरीके से डॉर्मेंसी चल रही है, ये शांत है, और जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी इसमें भी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रस्टेड एप्पल शरीफे का पौधा है और बिल्कुल सुस्त अवस्था में है, बिल्कुल इस पर भी डॉर्मेंसी का असर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर एलोवेरा लगा हुआ है जिसका प्रयोग मैं रूटिंग हार्मोन के तौर पर भी यूज़ करता हूँ, और जहाँ जहाँ फंगस होती है पौधों में उसमें भी यूज़ करता हूँ। तो ऐसे करके मैंने एलोवेरा का प्लांट भी लगा रखा है। यहाँ पर मैंने गणेश अनार का प्लांट लगा रखा है, आप देख सकते हैं ग्रो बैग में है, मेरे कई वीडियो में आपने देखे होंगे। ये देख सकते हैं गणेश अनार, प्रचुर मात्रा में इसमें फल पकड़ा हुआ है, अनार काफ़ी लगे हुए हैं, फ्रूट भी सेट हो रहे हैं, और छोटे बड़े हर साइज़ के अनार आपको इसमें दिखाई देंगे। ये देख लीजिए, इसी के जस्ट बगल में अमरूद लगे हुए हैं, और इन अमरूद को मैंने पॉली बैग्स में ढक रखा है ताकि कीट मकोड़ों से बचाव हो सके। ये देखिए ऐसे करके लगा रखा है, और छोटे अमरूद, बड़े अमरूद, हर साइज़ के अमरूद इसमें लगे हुए हैं। प्लांट आपको थोड़ा दूर से भी दिखा दे रहा हूँ, ये अनार का पौधा लगा हुआ है, इसी के बगल में अमरूद का पौधा लगा हुआ है। यहाँ पर ये है हींग का पौधा, आप देख सकते हैं। और अभी मैंने जो लेटेस्ट में पौधे मंगाए थे रेड डायमंड गुआवा के, ये यहाँ रखे हुए हैं, और इसमें भी एक फ्रूट सेट हो रहा है, लेकिन मैं इस फ्रूट को तोड़ दूँगा क्योंकि पौधे की ग्रोथ रुक सकती है। और एक गमले में है, एक पॉली बैग्स में है, अभी मैंने इसको शिफ्ट नहीं किया है, जनवरी फरवरी के आसपास इसको मैं बड़े ग्रो बैग में शिफ्ट करूँगा। यहाँ पर कागजी बारहमासी लेबन का पौधा है जो कि प्लास्टिक के गमले में लगा हुआ है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुंभ कार्ड नींबू है, ये मेरा अंजीर का पौधा है, देख सकते हैं। यहाँ पर ये मेथी है, और ये पपाया का प्लांट है। जैसे गर्मी आएगी तभी मैं इसे शिफ्ट करूँगा, अभी फ़िलहाल शिफ्ट करने की नहीं सोच रहा हूँ। और यहाँ पर कुछ वेजिटेबल्स लगी हुई हैं, मटर लगी हुई है, और लहसुन लगा हुआ है, चना लगा हुआ है। यहाँ पर आप जो पौधा देख रहे हैं ये है मीठा करौंदा। बहुत लोग देखना चाह रहे थे कि मेरे पास जो मीठा करौंदा है स्वस्थ है कि नहीं, तो आप देख लीजिए पूरी तरीके से स्वस्थ है, और इस पर भी डॉर्मेंसी का कोई असर नहीं हो रहा है, नई नई पत्तियां आ रही हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है, मिट्टी के पॉट में ये लगा हुआ है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने अपने कुछ प्लांट्स आपको दिखाए कि उनकी हालत कैसी चल रही है, या कह सकता हूँ उनकी सेहत कैसी चल रही है, उनकी जानकारी दी। कुछ पौधों में तो डॉर्मेंसी का असर दिखता है, लेकिन कुछ पौधों में ग्रोथ दिखाई देती है, जैसे सेब के पौधे में है, ऑल टाइम के पौधे में है, ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो इस समय कुछ ऐसा ही होता है, जैसे जैसे जनवरी फरवरी आएगी सभी पौधों में ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए टॉपिक से नए वीडियो में। सभी दोस्तों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।